चलिए देखिएगा, लिखेंगे क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स वाई और जेड, ठीक है। रिटेल आउटलेट, रिटेल आउटलेट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है। एक्स से लिखेंगे दैट इज 55, 30, 40, 50, 40। देन वाई पर लेंगे 35, 30, 100, 45 और 60। फिर Z से हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जो कॉस्ट आपको दे रखी है 40, 60, 95, 35, 30, ठीक है। नाउ तीनों सेंटर के पास जितनी सप्लाई है वो आपको दे रखी है, तो यहां ले लेंगे सप्लाई। सप्लाई आपको दे रखी है 40 यूनिट्स, 20 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स। ठीक है, और आपको देन इनकी डिमांड दे रखी है 25, 10, 20, 30 और 15। कॉपी कर लेंगे एक बार, ये आपको एक पूरा डेटा दिया हुआ है। तीन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं और इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आपको सारी कॉस्ट दे रखी है। टोटल जो आ रहा है आपका 100 और इधर भी 100। पहले ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बना लें, तीन एक्स वाई जेड बना लें ए बी सी डी ई। देन अब इनकी सारी कॉस्ट की टेबल को आप नोट डाउन कर लें। उधर सप्लाई आ गई और इधर आपके पास डिमांड आ गई। लिख लिया सबने 55, 30, 40, 50, 40, देन 35, 30, 100, 45, 60, 40, 60, 95, 35, 30, देन डिमांड आ जाएगी 25, 10, 20, 30, 15, इधर आ जाएगा 40, 20 और 40। लिखेंगे
रिक्वायर्ड में लिखे, फाइंड आउट इनिशियल सॉल्यूशन बाय यूजिंग वाम. रिक्वायर्ड में लिखेंगे फाइंड आउट इनिशियल सॉल्यूशन बाय वाम. वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से आपको इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है. एंड सेकंड लिखेंगे फाइंड आउट ऑप्टिमम सॉल्यूशन. फाइंड आउट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, उसके बाद हमें इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी निकालना है. इनिशियल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमिटी टेस्ट. सबसे पहले हम इनिशियल सॉल्यूशन पर बात करेंगे. हम वापस से बिल्कुल धीरे धीरे एक एक स्टेप को समझते हुए वर्क करेंगे. देखिएगा, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले हमने चेक किया क्या ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है. तो यस, द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड प्रॉब्लम सिंस डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. जो आपकी डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल है, तो इसलिए आपके पास ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या कहलाएगी, आपकी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाएगी. नाउ अब क्या करना है, ध्यान से सुनना. हर रो के दो मिनिमम नंबर सेलेक्ट करोगे और उनका डिफरेंस निकालोगे. हर रो के दो मिनिमम नंबर को सेलेक्ट करेंगे और उनका डिफरेंस. तो देखिए, पहली रो में दो मिनिमम नंबर है 30 और 40, तो डिफरेंस आ गया इसका 10. सेकेंड रो में दो मिनिमम नंबर हैं आपके पास 30 और 35, तो डिफरेंस आ गया 5. और तीसरी रो में दो मिनिमम नंबर हैं 30 और 35, तो 5. अब यही डिफरेंस हम कॉलम के लिए देखेंगे. तो पहले कॉलम में दो मिनिमम नंबर 35 और 40, तो डिफरेंस आएगा आपके पास 5. इधर है 30 और 30, तो डिफरेंस आएगा 0. इधर है 40 और 95. बताएं 40 और 95 का डिफरेंस कितना हो गया, 55. और इधर आ जाएगा 35 और 45, 10. बताएं हाईएस्ट डिफरेंस कहां पर है, हाईएस्ट डिफरेंस है 55. इसकी मिनिमम कॉस्ट है 40. इस 40 पर हम कितनी यूनिट दे सकते हैं, देखिएगा, सी की जो डिमांड है वो 20 यूनिट की है और एक्स की जो सप्लाई है वो 40 यूनिट है. यानी एक्स तो 40 यूनिट सप्लाई कर सकता है, बट सी बोल रहा है कि मेरी तो डिमांड ही कितनी है 20 यूनिट, तो मुझे 20 से ज्यादा नहीं चाहिए. तो हम यहां पर 20 यूनिट एलोकेट कर देंगे. ये लीजिए, हमारा ये कॉलम खत्म हो गया. चलिए अगेन डिफरेंसेस निकालते हैं. अब दो मिनिमम नंबर हैं वापस से 30 और 40, तो ये हमारे पास वापस से आ गया 10. दो मिनिमम नंबर हैं 30 और 35, तो ये यहां पर 5 ही रहेगा. मिनिमम नंबर हैं 30 और 35, तो ये भी 5 आ गया. कॉलम वाइज निकालते हैं, तो 35 और 40 का डिफरेंस 5, 30 और 30 का डिफरेंस 0, और यहां पर डैश, और यहां वापस से 10 था ना, चलिएगा यहां डैश, यहां डिफरेंस है वही 35 और 45 का, तो 10 और 10, 10 और 10. नाउ देखिएगा हाईएस्ट डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, हाईएस्ट डिफरेंस में टाई है. ध्यान से देखना, इधर हाईएस्ट डिफरेंस 10 है, इसकी मिनिमम कॉस्ट है आपके पास 30. आ जाइए, ये 10 है, इसकी मिनिमम कॉस्ट है 35, तो ये बेकार हो गया. इस 10 की मिनिमम कॉस्ट है 30.
अब डिफरेंस में दो टाई आ गए, ध्यान से देखेंगे, इस 10 पर जो मिनिमम कॉस्ट है दैट इज 30, और इस 10 पर भी मिनिमम कॉस्ट है 30। तो अब अगर यहां पर वापस से टाई है, तो मैंने आपको बताया था आप ये देखें कि इन दोनों जगहों पर कितनी कितनी यूनिट एलोकेट हो सकती हैं, और जहां पर ज्यादा यूनिट एलोकेट हो सकती हैं हम उस जगह पर एलोकेशन करेंगे। तो देखिएगा, इस 30 पर आप एलोकेट कर सकते हो 15, देखना इसकी जो डिमांड है वो 15 है, इसके पास जो सप्लाई है वो 40 है, तो 15 यूनिट आएंगी यहां पर। चलिए इस 30 पर देखते हैं, इसकी डिमांड है कितनी 10, और उसके पास सप्लाई बची है 20, बट इसकी डिमांड 10 ही है, तो हम कहां पर देंगे, इस जगह पर हम 15 यूनिट एलोकेट कर देंगे। तो ये 15 यूनिट एलोकेट हो गई आपकी। इसको भी हम काट देंगे। एक बार वापस से देखना, हमने डिफरेंसेस निकाला, डिफरेंसेस में टाई आया, यहां पर भी हाईएस्ट डिफरेंस 10 था, और यहां पर भी हाईएस्ट डिफरेंस 10 और 10। अब इन तीनों हाईएस्ट डिफरेंसेस की मिनिमम कॉस्ट ढूंढते हैं। तो देखिए, इस 10 पर मिनिमम कॉस्ट है आपके पास 35, इस 10 पर मिनिमम कॉस्ट 30, और इस 10 पर भी मिनिमम कॉस्ट 30। तो ये 35 तो पहले ही बाहर हो गया, अब मिनिमम कॉस्ट में फिर टाई आ गया 30 और 30 पर, तो एक 30 यहां है, हम देखेंगे कि इस 30 पर कितनी यूनिट एलोकेट हो सकती हैं और इस 30 पर कितनी यूनिट एलोकेट हो सकती हैं। इन दोनों 30 में जिस 30 पर ज्यादा यूनिट एलोकेट हो सकती हैं हम वहां पर एलोकेशन कर देंगे। तो मुझे बताएं इस 30 पर कितनी यूनिट एलोकेट हो सकती हैं। तो देखो, बी की डिमांड है 10 यूनिट और इसके पास सप्लाई है 20, तो इसकी डिमांड से ज्यादा ये लेगा नहीं, तो यहां 10 यूनिट एलोकेट हो सकती हैं। इस जगह पर आइए, इसकी डिमांड है 15, इधर से है 40, तो 15 आ सकती हैं, तो हाईएस्ट कितनी हो गई, यहां 10 एलोकेट हो सकती हैं, यहां 15 एलोकेट हो सकती हैं, तो एलोकेशन हो जाएगा कितना 15 यूनिट्स का। तो हम यहां पर 15 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे। आगे चलिए, अगेन डिफरेंसेस निकालेंगे। तो देखिए, इधर 30 और 50, 30 और 50, तो डिफरेंस आ गया अब आपके पास 20। इधर आइए, डिफरेंस सेकंड में 30 और 35, तो अभी भी डिफरेंस रहेगा आपका 5। इधर देखते हैं 40 और 35, तो डिफरेंस रहेगा 5। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया 20, 5 और 5। इधर आ जाएं, पहले इसमें मिनिमम है 35 और 40, तो डिफरेंस 5, यहां पर 30 और 30, डिफरेंस 0, ये कट चुका है, यहां पर है डिफरेंस 35 और 45, तो 10 और डैश, तो हाईएस्ट डिफरेंस है 20, हाईएस्ट डिफरेंस है 20, इस 20 की मिनिमम कॉस्ट है 30, और इस 30 पर हमारा कितने का 10 का एलोकेशन हो सकता था, हमने 10 यूनिट एलोकेट कर दी, ये भी कट जाएगा, ये लीजिए ये भी कॉलम हमारा कट गया, अभी भी दो कॉलम है, फिर डिफरेंस निकलेगा। नाउ तो देखिए, हाईएस्ट डिफरेंस अपने पास दो मिनिमम नंबर का है, इसका डिफरेंस 55 और 50, तो डिफरेंस आ गया 5, यहां पर डिफरेंस निकलेगा 5। सेकंड रो के दो मिनिमम नंबर 35 और 45, ये 10, यहां पर मिनिमम नंबर है 35 और 40, 5। आइए कॉलम वाइज, पहले कॉलम में वही 35 और 40, 5 डैश डैश, इधर आइए 35 और 45, तो 10 और डैश, हाईएस्ट डिफरेंस ढूंढते हैं। तो देखिए, फिर टाई हो गया,
हाईएस्ट डिफरेंस इधर भी 10 है और हाईएस्ट डिफरेंस इस डी में भी 10 है। मिनिमम कॉस्ट इसकी मिनिमम कॉस्ट 35 है और इस 10 वाले की मिनिमम कॉस्ट भी 35 है। दोनों जगह 35 आ रहा है, फिर टाई हो गया। अब इस 35 पर हम कितनी यूनिट दे सकते हैं? देखो इसकी डिमांड तो है 25, ठीक है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो कितनी है? 20 यूनिट। तो यानी इस 35 पर तो हम 20 यूनिट दे सकते हैं। अब इधर आओ, इसकी डिमांड है कितनी? 30, लेकिन इसके पास सप्लाई बची हुई है 25, तो कितनी दे सकते हो? इस 35 पर तो 25 यूनिट दे सकते हैं और इस 35 पर हम कितनी दे सकते हैं? 20। तो हाईएस्ट कहां पर है? 25। तो हम यहां पर 25 यूनिट दे देंगे। अगेन बहुत ध्यान से, धीरे धीरे, आराम से देखिएगा। एक हाईएस्ट डिफरेंस ये 10 था और एक हाईएस्ट डिफरेंस ये 10 था। इस 10 की मिनिमम कॉस्ट 35 और इस 10 की भी मिनिमम कॉस्ट थी आपकी 35। तो यानी मिनिमम कॉस्ट में भी टाई हो गया। अब अगर मिनिमम कॉस्ट में भी टाई हो गया तो मैंने आपको ये बोला था कि जिस कॉस्ट पर आप ज्यादा यूनिट एलोकेट कर सकते हो हम वहां पर एलोकेशन करेंगे। तो हम चेक करते हैं इस 35 पर कितनी यूनिट एलोकेट हो सकती हैं और इस 35 पर कितनी यूनिट एलोकेट हो सकती हैं। पहले इस 35 पर बात करते हैं। तो देखिएगा इस सेल में ए की जो डिमांड है वो तो 25 है, बट वाई बोल रहा है कि मेरे पास तो देने के लिए 20 अवेलेबल हैं। तो यानी इसको 20 से ज्यादा यूनिट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, तो इस 35 पर तो 20 का एलोकेशन होगा। इस 35 पर तो 20 का एलोकेशन होगा। और इधर आते हैं, डी बोल रहा है मेरी डिमांड है 30 की और जेड सेंटर क्या बोल रहा है? मेरे पास अभी भी 25 अवेलेबल हैं, तो 25 एलोकेट हो जाएगा। तो हमारे पास इस 35 पर तो जा सकती है 20 और इस 35 पर जा सकती है 25। तो हाईएस्ट 25 है, हम इस जगह पर 25 एलोकेट कर देंगे, हमारी ये रो कैंसिल हो जाएगी। ये रो कैंसिल हो गई। चलिए अगेन डिफरेंस निकालते हैं। इधर का डिफरेंस 55 और 50, तो वापस से 5 आएगा। इसके दो मिनिमम नंबर हैं 45 और 35, 10 और यहां डैश। कॉलम के डिफरेंस निकालो। ए कॉलम में डिफरेंस है 35 और 55, तो 20, फिर डैश और डैश। अब इस कॉलम में 45 और 50, तो डिफरेंस आ जाएगा 5 और डैश। हाईएस्ट डिफरेंस देखें तो हाईएस्ट डिफरेंस आ गया इस 20 पर, हाईएस्ट डिफरेंस आ गया 20। इस 20 की मिनिमम कॉस्ट कितनी है आपके पास? 35। इस 35 पर कितनी यूनिट जा सकती है? 20 यूनिट जा सकती थी। देखिए ध्यान से, इसकी सप्लाई तो 25 है बट सॉरी इसकी डिमांड तो 25 है बट ये बोल रहा है मेरे पास सप्लाई करने के लिए 20 यूनिट हैं, तो इस 35 पर हम 20 यूनिट एलोकेट कर देंगे। 20 यूनिट एलोकेट किया तो ये भी लो आपकी कैंसिल। नाउ अब आपके पास सिंगल रो बची है, तो सिंगल रो में हम बैलेंसिंग फिगर एलोकेशन कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना आप कैसे होगा। देखो इस कॉलम में 25 होनी चाहिए, तो 20 तो यहां हो गई, तो 5 यूनिट यहां जाएंगी। अब बचा आपके पास ये वाला 30 और 5 35, तो 5 बची, 5 यूनिट यहां आ जाएंगे। अब देख लें क्या सारे टोटल बराबर हो गए। 5 और 10 15 और 5 20 और 20 40, 20 और 40। इधर देखेंगे तो 20 और 5 25, फिर 25 के बाद इधर होना चाहिए 10, फिर 20,
फिर 30 और 15। तो ये लीजिए, ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन बन गया, दैट इज अवर इनिशियल सॉल्यूशन। चेक कर लें एक बार, दैट इज अवर इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय द वार्म मेथड। हमें वार्म मेथड अप्लाई करना था और वार्म मेथड से हमने क्या निकाल लिया, हमारा इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। ऑप्टिमिटी टेस्ट, चलिए अब हम इसका ऑप्टिमिटी टेस्ट करेंगे। तो पहले हम ऊपर वाली टेबल को वापस से ढंग से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, और रिटेल आउटलेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में था एक्स वाई और जेड, ए बी इधर सप्लाई आ जाएगा और इधर हमारे पास डिमांड, डिमांड। देखिए एक बार वापस से, हम सारी कॉस्ट 55, 30, 40, 50, 40, फिर वाई पर आ जाएं, 35, 30, 100, 45, 60, ये 20 आ गया। जेड पर 40, 60, 95, 35, 30, 40, डिमांड दे रखी है 25, 10, 20, 30 और 15। एलोकेशन वापस उतारना पड़ेगा, एक्स से ए में 5, 10, 20, 5, 10, 20 और 5, 5, 10, 20 और 5। अब आ जाइए वाई पे, वाई से है 20 एलोकेशन, वाई से ए पर वाई से ए पर 20। अब जेड से आइए, तो जेड से हैं 2, पच्चीस और 15 हैं किस किस पर, ई पर 15 और डी पर 25। पच्चीस और 15, ठीक है। अब हमने इस टेबल को वापस उतार लिया, अब हम ऑप्टिमिटी टेस्ट करेंगे। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक एक स्टेप को, ऑप्टिमिटी टेस्ट को आपको समझना है। तो ऑप्टिमिटी टेस्ट की स्टेप्स को देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहां लिख रहा हूं।
स्टेप्स फॉर ऑप्टिमिटी टेस्ट. चेक वेदर गिवन प्रॉब्लम इज डीजनरेट और नॉट. ध्यान से सुनना, सबसे पहले चेक वेदर गिवन प्रॉब्लम इज डीजनरेट और नॉट. सबसे पहले अब आपने जब इनिशियल सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है तो ऑप्टिमिटी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको इस प्रॉब्लम की डीजेनरेसी को चेक करना पड़ेगा. डीजेनरेसी एग्जिस्ट इफ एम प्लस एन माइनस वन इज नॉट इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल्स, तो डीजेनरेसी एग्जिस्ट करती है. नंबर ऑफ रोज, और एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स. देखिएगा, ऑप्टिमिटी टेस्ट विल स्टार्ट बाय चेकिंग द डीजेनरेसी ऑफ द प्रॉब्लम. सबसे पहले ऑप्टिमिटी टेस्ट में आप ये चेक करोगे कि जो गिवन प्रॉब्लम है क्या वो डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है या नहीं है. कैसे पता लगेगा कि ये डीजेनरेसी एग्जिस्ट करती है? ध्यान से सुनना, अगर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन करोगे, जितनी रो हैं प्लस जितने कॉलम हैं माइनस वन, अगर ये इक्वल टू नहीं है किसके ऑक्यूपाइड सेल्स के, तो इसका मतलब क्वेश्चन में डीजेनरेसी एग्जिस्ट करती है. और अगर एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल है, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन, ये जो आएगा अगर ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, ऑक्यूपाइड सेल के इक्वल है, तो इसका मतलब इस जगह पर आपकी डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं करती है. फिर एक लाइन और लिखेंगे, इफ डीजेनरेसी एग्जिस्ट देन आफ्टर रिमूविंग After removing it, we can start optimity test. बिना इसको remove किए हम optimity test नहीं कर सकते हैं. Optimity test को करने के लिए पहले अगर क्वेश्चन में डीजेनरेसी एग्जिस्ट करती है तो आपको उस डीजेनरेसी को रिमूव करना पड़ेगा. पहले हम देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में है डीजेनरेसी, अगर है तो कैसे रिमूव करेंगे, और नहीं है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे होगा. जरा चेक कीजिए, कॉलम्स कितने हैं, एक दो तीन चार और पांच तो कॉलम है, और छह सात आठ, तीन रो है, टोटल आठ हो गया.
आठ माइनस वन ऑक्यूपाइड कितने होने चाहिए, सेवन ऑक्यूपाइड गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी इस क्वेश्चन में डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अब हम ऑप्टिमिटी टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डीजेनरेसी होगी तो उसे रिमूव कैसे करेंगे, इस बात को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जब हमारे पास डीजेनरेसी एग्जिस्ट करेगी। अभी हमारे पास डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम ऑप्टिमिटी टेस्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बिल्कुल? आप नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन कर दें, अगर ये किसके इक्वल आ जाए, आपके ऑक्यूपाइड सेल्स के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब यहां पर अब डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम अपने सॉल्यूशन को फर्दर ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ आगे ले जा सकते हैं। तो नाउ अब हमने चेक कर लिया, हमारे इस गिवन क्वेश्चन में पांच कॉलम हैं और तीन रो हैं, तो टोटल आठ हो गया। आठ माइनस एक यानी कितना आ गया आपके पास, सेवन। तो आपके पास सेवन ऑक्यूपाइड सेल्स होने चाहिए। क्या सेवन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, गिन लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो अगर आपके पास सेवन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगला पॉइंट ऑप्टिमम टेस्ट की स्टेप सुनोगे अब। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यू फॉर ईच रो, एंड वैल्यू ऑफ वी फॉर ईच कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स ओनली। हर रो के लिए एक यू की वैल्यू निकाली जाएगी और हर कॉलम के लिए एक वी की वैल्यू निकाली जाएगी, और ये जो वैल्यू निकाली जाएंगी ये वैल्यू केवल और केवल जो सेल्स आपके ऑक्यूपाइड हैं उनके बेसिस पर आप निकाल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स ओनली एंड बाय सेटिस्फाइंग फॉलोइंग बाय सेटिस्फाइंग फॉलोइंग इक्वेशन करस्पोंडिंग यू प्लस वी इज इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस इक्वेशन के द्वारा हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बहुत ध्यान से धीरे धीरे आराम से एक क्वेश्चन से समझें तो चीजें क्लियर होंगी। देखो हर रो के लिए यू की वैल्यू निकाली जाएगी और हर कॉलम के लिए वी की वैल्यू निकाली जाएगी। ये यू और वी जो निकाले जाएंगे केवल और केवल ऑक्यूपाइड सेल्स के आधार पर निकाले जाएंगे। दो रूल ध्यान रखना है, यू और वी केवल और केवल
ऑक्यूपाइड सेल्स के आधार पर निकाले जाएंगे, और वो भी इस तरह से निकाले जाएंगे कि उस पर्टिकुलर सेल के यू और वी का टोटल उस पर्टिकुलर ऑक्यूपाइड सेल के यू और वी का टोटल उस सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए. करस्पॉन्डिंग यू और वी का टोटल उस सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बराबर होना चाहिए. लेकिन अब टू स्टार्ट विथ दीज कैलकुलेशन, मुझे किसी एक यू या वी को जीरो अज्यूम करना पड़ता है टू स्टार्ट द कैलकुलेशन. टू स्टार्ट अवर कैलकुलेशन वी मस्ट अज्यूम ईदर ऑफ यू और वी एज जीरो. अब देखिएगा, इक्वेशन ही तभी सॉल्व होगी जब आपके पास कोई एक वैल्यू गिवन हो. तो टू स्टार्ट अवर कैलकुलेशन हम किसी भी एक यू या वी को जीरो मान सकते हैं. देखिए, हालांकि आप किसी भी यू और वी को जीरो मान लो, आंसर लास्ट में आकर सेम आएगा. बट फॉर द सिंप्लिसिटी हमेशा क्या करना, फॉर द सिंप्लिसिटी उस रो को या उस कॉलम को जीरो मानना जिस रो या कॉलम में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो. उस रो या उस कॉलम की वैल्यू को जीरो मानना जिस रो या कॉलम में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो. क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल. धीरे धीरे अगेन रिपीट करते हैं हम इस बात को. हमने जब चेक किया कि हमारे पास डी जनरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अब हर रो के लिए यू की वैल्यू निकाली जाएगी और हर कॉलम के लिए वी की वैल्यू निकाली जाएगी. ये यू और वी की वैल्यू केवल और केवल ऑक्यूपाइड सेल्स के आधार पर निकाली जाएंगी. किसी भी अनऑक्यूपाइड को काम में नहीं लोगे. केवल जितने भी सेल्स ऑक्यूपाइड हैं, ऑक्यूपाइड मतलब हमने यहां पर सर्किल में जो ये ऑक्यूपाइड यूनिट्स एलोकेट किए हैं, ये जो ऑक्यूपाइड यूनिट्स एलोकेट किए हैं, इनके आधार पर ही यू और वी की वैल्यू निकलेगी. और कैसे निकलेगी? उस करस्पॉन्डिंग सेल की, वो जो ऑक्यूपाइड करस्पॉन्डिंग सेल आप लोगे, उसकी करस्पॉन्डिंग यू और वी का टोटल उस सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के इक्वल आना चाहिए. उस करस्पॉन्डिंग यू और वी का टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के क्या आना चाहिए? इक्वल आ जाना चाहिए. अब इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक यू या वी को जीरो मानना पड़ेगा. किसी भी एक यू और वी को क्या मानना पड़ेगा? जीरो. हालांकि हम किसी भी यू और वी को जीरो मान सकते हैं, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हमें क्या करना चाहिए? उस रो या कॉलम की वैल्यू को जीरो मानो जिसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हैं. और इस इक्वेशन के आधार पर हम क्या निकाल लेंगे? अपनी सारी यू और वी की वैल्यू निकालेंगे. चलिए, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट. हम अपने इस पर आते हैं, क्वेश्चन पर. ध्यान से देखना, यहां हम यू वन निकालेंगे, यू टू निकालेंगे और यू थ्री रखेंगे. ठीक है, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर और वी फाइव. हर रो के लिए तो हम निकालेंगे यू वन यू टू यू थ्री और कॉलम के लिए वी. मुझे बताओ हाईएस्ट ऑक्यूपेशन कहां दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वाले रो में आपके पास चार वैल्यूज हैं, चार ऑक्यूपाइड हैं. तो मैंने यू वन को जीरो मान लिया, मैंने यू वन को जीरो मान लिया.
अब इसी कैलकुलेशन को ध्यान से समझना एंड रिपीट एंड रिपीट देखिएगा। थोड़ा सा हमारे पास एक कॉलम का आपको ध्यान रखना है, ये ए है हमारा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं वरना ये थोड़ा निकालने में हमें, ये ए है तो यहां वी वन निकलेगा, फिर मैं इस वी को थोड़ा इधर ले लेता हूं तो ये बी है, यहां वी टू निकलेगा, फिर ये हमारे पास सी है तो यहां वी थ्री निकलेगा, देन ये डी है वी फोर निकलेगा, और ये ई है जहां पर वी फाइव। ठीक है, अब थोड़ा एग्जैक्ट कॉलम पर आ गए, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये पहला ऑक्यूपाइड है, ये पहला ऑक्यूपाइड है, इसके करस्पॉन्डिंग यू और वी का टोटल इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। ये जीरो है, पहला ऑक्यूपाइड है यहां पर, ये सेल ऑक्यूपाइड है एक्स से ए, एक्स से ए का सेल ऑक्यूपाइड है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 55, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 55। अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग यू और वी का टोटल 55 के बराबर आना चाहिए। तो देखो यू का वैल्यू तो हमें पता है जीरो, टोटल 55 लाना है, तो जीरो में कितना जोड़ोगे कि 55 आ जाए, तो 55, तो वी वन की वैल्यू 55 आ जाएगी। वी वन की वैल्यू कितनी आ गई, 55। लेट्स सी अगेन, केवल और केवल ऑक्यूपाइड के बेसिस पर लेना है, तो मैंने सबसे पहले पहली रो उठाई, पहली रो में मेरे पास यू वन जीरो आ चुका है। अब पहला जो ऑक्यूपाइड सेल है आपका वो है एक्स से ए, एक्स से ए की सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 55, एक जीरो है, जीरो में कितना जोड़ोगे कि टोटल 55 हो जाए, तो आंसर 55। तो यानी मैं ऐसे बोलूं, u1 प्लस v1 मस्ट बी इक्वल टू 55, u1 प्लस v1 मस्ट बी इक्वल टू 55। ध्यान से बिल्कुल धीरे आराम से, पहला सेल ढूंढो तो u1 और v1 ऑक्यूपाइड है, और u1 और v1 वाले सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 55 है। तो देखो मैं अगर इसको लिख के आपको बताऊं तो इधर लिखता हूं मैं, अब देखिएगा, u1 प्लस v1 मस्ट बी इक्वल टू 55, u1 जीरो हो चुका है प्लस v1 मुझे निकालना है, टोटल 55 आ जाए, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ v1 इज इक्वल टू 55। ये लीजिए, मैंने पहली सेल की वैल्यू निकाल दी, पहला सेल जो ऑक्यूपाइड था दैट इज u1 प्लस v1 मस्ट बी इक्वल टू 55, तो v1 55 आ गया। अब आगे चलते हैं, देखो u1 और v2 ये भी ऑक्यूपाइड है, u1 और v2 ये भी ऑक्यूपाइड है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 है। तो चलिए वापस से मैं इसको लिखता हूं, u1 प्लस v2 मस्ट बी इक्वल टू 30, u1 प्लस v2 मस्ट बी इक्वल टू 30, तो u1 जीरो है प्लस v2 इज इक्वल टू 30, तो द वैल्यू ऑफ v2 इज इक्वल टू 30। तो ये लीजिए, मैंने इस ऑक्यूपाइड सेल की सहायता से v2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, तो v2 पर 30 लिख देंगे, तो हमारे पास v2 आ गया 30। आगे चलिए, इसी u1 में एक और है, v3 भी आ सकता है, तो u1 और v3, अपनी कॉपी में सेल देखें आराम से, u1 और v3 इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40 है, तो u1 और v3 40 आना चाहिए। u1
प्लस वी थ्री मस्ट बी इक्वल टू 40, तो 0 प्लस वी थ्री इज इक्वल टू 40, तो वी थ्री इज इक्वल टू 40। आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, धीरे धीरे तो आपकी स्टेप्स ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके स्पीड में लाना है, बट दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, सो वी गो फॉर ईच कैलकुलेशन। तो सेल पहचानना है बस, यू वन वी थ्री, तो इससे वी थ्री की वैल्यू 40 आ गई, तो वी थ्री इज इक्वल टू 40। वापस आइए, इसी रो में एक और है हमारे पास, U1 से V4 भी ऑक्यूपाइड है, पहला करस्पॉन्डिंग U1 और V4, तो देखें U1 और V4 वाले सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50, तो U1 और V4 U1 प्लस V4 मस्ट बी इक्वल टू 50, तो 0 प्लस V4 इज इक्वल टू 50, तो V4 इज इक्वल टू 50, तो हमारे पास V4 की वैल्यू भी आ गई, लीजिए तो V4 की वैल्यू 50, V4 की वैल्यू 50। अब मुझे बताएं अगला ऑक्यूपेशन, अब इधर देखना बहुत ध्यान से, अगला ऑक्यूपाइड सेल ये रहा U2 और V1, U2 और V1 ऑक्यूपाइड सेल है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल ढूंढो करस्पॉन्डिंग U और V का टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बराबर कर दो। तो देखना वापस से, U2 और V1, U2 V1 दिखाई दे रहा है, U2 V1 ये एक सेल है जो कि ऑक्यूपाइड है, इस सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 35, तो लिखो U2 प्लस V1 U2 U2 प्लस V1 इज इक्वल टू 35। इसमें U2 मुझे पता नहीं है, V1 की वैल्यू अपन ऑलरेडी कितनी निकाल चुके हैं, V1 55 आ चुका है ऑलरेडी, तो प्लस 55 इज इक्वल टू 35, द U2 इज इक्वल टू -20। सेल है U2 और V1 जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 35 है, U2 मुझे पता नहीं है, बट V1 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 55, तो U2 प्लस 55 मस्ट बी इक्वल टू 35 होना चाहिए, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ U2 -20, तो U2 पर अपन लिख देंगे माइनस का 20, तो U2 पर आ गया -20, ये हमारे पास U2 आ गया। अब आइए अगला ऑक्यूपाइड ध्यान से देखेंगे, U3 से V4, U3 से V4 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 35, U3 से V4, U3 से V4 मस्ट बी इक्वल टू 35, तो U3 प्लस V4 हमने 50 निकाला हुआ है इज इक्वल टू 35, U3 प्लस V4 इज इक्वल टू 35। ध्यान से देखें, वापस से जाएं आराम से, U3 से V4 सेल देखें, ये U3 सेल है और ये V4 सेल है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 35 है और V4 मुझे 50 पता है ऑलरेडी, तो U3 प्लस 50 इज इक्वल टू 35, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ U3 -15, तो U3 की वैल्यू आ जाएगी -15, लिख दें U3 आ गया मेरे पास -15, U3 -15। अगला ऑक्यूपाइड है U3 से V5, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 30,
अगला ऑक्यूपाइड सेल है U3 से V5 और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 30। U3 से V5 यहां निकाल देता हूं, U3 प्लस V5 इज इक्वल टू 30। 30 है ना। चलिए U3 कितना आ चुका है आपके पास, U3 आया था -15, तो निकालें -15 प्लस V5 इज इक्वल टू 30 होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ V5? 45। अगर V5 45 है तो 45 और -15 का टोटल 30 आ जाएगा, तो V5 लिख देंगे 45। ये लीजिए, दैट इज अवर स्टेप। हमने सारी यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। हम केवल और केवल ऑक्यूपाइड सेल्स पर जाएंगे और उन ऑक्यूपाइड सेल्स, उन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हम करस्पॉन्डिंग यू और वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दैट इज अवर स्टेप, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यू एंड वी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड लिखेंगे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑल अनऑक्यूपाइड सेल इन द फॉलोइंग मैनर। अब जितने भी अन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उन सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकाली जाएगी। कैसे निकालेंगे अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू? तो फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू ऑफ अन ऑक्यूपाइड सेल इज इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करस्पॉन्डिंग यू प्लस वी। ये आपका फॉर्मूला रहेगा अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकालने का। तो अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स। जितने भी हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं उन अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकाली जाएगी। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकालोगे उस पर्टिकुलर अनऑक्यूपाइड सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उठाओगे, उस अनऑक्यूपाइड सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उठाएंगे, उसमें से माइनस करोगे उस अनऑक्यूपाइड सेल के करस्पॉन्डिंग यू और वी का टोटल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोगे उस अनऑक्यूपाइड सेल की और उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे उसके करस्पॉन्डिंग यू और वी का टोटल, तो आपके पास अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिएगा अप्लाई करते हैं अनऑक्यूपाइड सेल पर। अब आइए बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को बताइए। सबसे पहले अनऑक्यूपाइड क्या दिखाई दे रहा है? अनऑक्यूपाइड सेल है आपका U1 से V5। अनऑक्यूपाइड सेल क्या दिखाई दे रहा है? U1 से V5, ठीक है? तो मैं यही निकालता हूं, U1 प्लस V5, ठीक है? तो देखिएगा,
U1 से V5 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दे रखी है 40, तो 40 माइनस 0 प्लस 45 दैट विल बी इक्वल टू -5। ये सेल है आपका U1 प्लस V5, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40 है, इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों का टोटल दैट इज 0 प्लस 45, तो -5 आ गया। तो लिख दें इस सेल में हमारे पास आ जाएगा -5। आगे चलिए, अगला अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा है? U2 से V2, U2 से V2 लीजिए, U2 प्लस V2। U2 से V2 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताएं मुझे। U2 से V2 सेल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 30 माइनस। नाउ करस्पॉन्डिंग U2 की वैल्यू है -20 और V2 की +30, तो -20 +30 तो 30 -10 तो वैल्यू आ गई 20। तो लीजिए इस सेल पर हम क्या लिख देंगे, 20 प्लस का 20। अगला आइए, अगला है हमारे पास U2 से V3, U2 से V3, तो ये आ जाएगा तीसरा है U2 प्लस V3, तो U2 से और V3 की कॉस्ट है 100, तो 100 माइनस U2 था -20 प्लस V3 था 40, V3 था 40, जोड़ जरा निकालें आंसर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो लीजिए इस अनऑक्यूपाइड की वैल्यू प्लस का 80 आ जाएगी। ये लीजिए आगे चलो, अगला हमारे पास जो अनऑक्यूपाइड है वो क्या है? अगला अनऑक्यूपाइड है U2 से V4। चलिए फोर्थ अनऑक्यूपाइड है U2 V4। एक एक सेल को धीरे धीरे कैलकुलेट करो, अगले एक दो क्वेश्चन के बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बनेगी। U2 से V4 बताइए, U2 से V4 45 है, तो लिखें 45 माइनस, आइए U2 तो है माइनस का 20 प्लस V4 की वैल्यू बताएं। हमारे पास V4 था 50, V4 50, तो बताइए कितना आया, 45 -30 तो प्लस के 15 आ गए। तो लीजिए ये आपके पास चलें, अगला है आपके पास U2 से V5, U2 से V5, तो U2 प्लस V5 अगला सेल ये है। आइए U2 से V5 की कॉस्ट है 60, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 60 माइनस माइनस का 20 और प्लस V5 की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 45। V5 की वैल्यू 45, तो 60 -25 35 आ गया। लीजिए तो इस सेल की वैल्यू आ गई प्लस का 35, इस सेल की वैल्यू आ गई प्लस का 35।
अब और आगे चलिए, अब इसने हमारे पास है ये वाला U3 से V1 निकालिए, U3 से V1, U3 प्लस V1 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताएं। U3 से V1 की कॉस्ट है 40, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40 माइनस U3 की वैल्यू कितनी है, U3 की वैल्यू -15 और V1 की वैल्यू 55, -15 और प्लस का 55, माइनस का 15 और प्लस का 55, 40 -40 दैट मीन्स 0। तो ये आपके पास इस सेल की वैल्यू आ गई 0। अब है U3 से V2, U3 से V2, U3 प्लस V2 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है U3 से V2 की, 60। सिक्सटी माइनस माइनस का 15 प्लस V2 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, हमने V2 की वैल्यू निकाली हुई है 30, V2 की वैल्यू 30, तो लीजिए V2 की वैल्यू आ गई 30, तो ये आ गया 60 माइनस 15 तो 55, नहीं सॉरी 45, तो ये प्लस का 45 इस सेल की वैल्यू आ गई। बोलिए आ रहा है पॉइंट समझ में, ये आ गया प्लस का 45। अगला है U3 से V3, U3 से V3 लीजिए, U3 V3 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है U3 से V3 की, 95। U3 से V3 की है 95 माइनस माइनस का 15 प्लस V3 की वैल्यू बताएं, V3 है 40, तो V3 40 लिख दें, -15 और प्लस 40 तो 95 माइनस 25 70, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 70। ये आ गई प्लस का 70। देखिएगा आगे, अब हमने सारी अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू निकाल ली है, लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। इफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर 0 और पॉजिटिव, देन अवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। If there is any negative value in unoccupied cell, then
वी नीड इंप्रूवमेंट, वी नीड इंप्रूवमेंट इन अवर सॉल्यूशन। देखिएगा अब ये स्टेप थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, इंप्रूवमेंट कैसे किया जाएगा इसको लिखने के बजाय हम पहले प्रैक्टिकली समझें, देन आफ्टर दैट हम इसको वापस से चाहे तो लिख लेंगे। बट द पॉइंट इज कि अगर अनऑक्यूपाइड की सेल की सारी वैल्यूज जीरो या पॉजिटिव आ जाएं तो इसका मतलब हमारा ऑप्टिमम आंसर आ गया। अगर सारी वैल्यू क्या आ जाएं, जीरो या पॉजिटिव आ जाएं तो इसका मतलब आपका ऑप्टिमम आंसर आ गया। लेकिन अगर किसी भी अनऑक्यूपाइड सेल में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब अब आपको उस सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, कुछ इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। तो क्या इस क्वेश्चन में आपके पास कहीं नेगेटिव आया? हां, आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आई थी। किस सेल में आई है देखिएगा, आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है U1 से V5 में। चेक करें, आपके पास U1 से V5 में, U1 से V5 में आपके पास नेगेटिव आया है, तो यानी अभी आपका ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आया। टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इस टेबल में कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम आंसर। अब इंप्रूवमेंट को बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। इंप्रूवमेंट समझ आ गया तो आफ्टर दैट इसमें एक और वैरायटी हमारे पास बचती है डीजेनरेसी की बात को लेकर। चलिएगा सुनना, अब देखिएगा अगर मुझे इस नेगेटिव को हटाना है तो ये नेगेटिव तब तक नहीं हट सकता जब तक कि यूवी की वैल्यू चेंज ना हो जाए, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव रहेगा। इस नेगेटिव को हटाने के लिए इसे, ये अनऑक्यूपाइड सेल है, यहां पर कुछ भी ऑक्यूपाइड नहीं है। ऑक्यूपाइड मीन सर्किल, कि यहां से यहां पर इतनी यूनिट ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ऐसी कोई यूनिट U1 से V5 पर नहीं जा रही है, तो मुझे इसको ऑक्यूपाइड बनाना पड़ेगा। अगर ये ऑक्यूपाइड बनेगा तो ही ये नेगेटिव वैल्यू हटेगी। यानी अंडर इंप्रूवमेंट प्रोसेस मुझे उस नेगेटिव सेल को ऑक्यूपाइड सेल बनाना पड़ेगा। वो जो नेगेटिव सेल आ रहा है जिसमें अनऑक्यूपाइड की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उस सेल को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्यूपाइड बनाना पड़ेगा। अगर मैं उसको ऑक्यूपाइड बना दूं तो मेरे पास वो वैल्यू हो जाए। लेकिन ऑक्यूपाइड बनाने के लिए समस्या, ऑक्यूपाइड बनाऊं कैसे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी डिमांड और सप्लाई का टोटल तो बराबर है। ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, यहां पर इस पर ऑक्यूपाइड बना दूंगा, तो ऑक्यूपाइड बनाने के लिए मैं कुछ प्लस कर दूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा एक बार कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पर कुछ प्लस कर दूंगा। ये देखिएगा प्लस दिख रहा है आपको, ये प्लस मैंने यहां पर कुछ ऑक्यूपाइड कर दिया। अब समस्या क्या हुई, जैसे ही यहां पर ऑक्यूपाइड करूंगा, कुछ लिखूंगा, इस कॉलम का टोटल गड़बड़ हो गया, इस रो का टोटल भी गड़बड़ हो गया। क्यों? ऑलरेडी यहां पर 40 का एलोकेशन है, अगर यहां कुछ एलोकेट करूंगा तो ये टोटल, रो का टोटल 40 से ज्यादा और कॉलम का टोटल 15 से ज्यादा, तो एक पकड़ लो। मैं क्या करूंगा, सुनना बहुत ध्यान से, अगर यहां प्लस करूंगा तो जितनी वैल्यू प्लस करूंगा एग्जैक्ट उतनी वैल्यू इस ऑक्यूपाइड में से माइनस कर देंगे, इस ऑक्यूपाइड में माइनस, इस ऑक्यूपाइड में प्लस। बोलिए, इस कॉलम का टोटल ठीक हो गया, इस कॉलम का ठीक हो गया, इस रो का बिगड़ गया, तो यहां से जो माइनस किया, जो चीज माइनस हुई, वही चीज यहां पर वापस से प्लस कर दूंगा, और प्लस के बाद यहां से वापस माइनस।
अब मेरे सारे रो और कॉलम टोटल हो गए और मेरे पास एक क्लोज्ड लूप बन गया, एक क्लोज्ड हमने लूप बना दिया। दिस विल बी कॉल्ड एज इंप्रूवमेंट प्रोसेस, दिस विल बी कॉल्ड एज इंप्रूवमेंट प्रोसेस। लेट्स सी अगेन, देखिएगा एक बार वापस से मैं आपको पूरे इंप्रूवमेंट प्रोसेस की तरफ ले जाता हूं। अंडर द इंप्रूवमेंट प्रोसेस ये जो मेरा अनऑक्यूपाइड नेगेटिव सेल है मुझे इसे ऑक्यूपाई बनाना पड़ेगा। अगर ये ऑक्यूपाई बनेगा तभी ये नेगेटिव हटेगा। तो मुझे इसको ऑक्यूपाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी। क्या वैल्यू नहीं पता, बट मुझे कोई ना कोई वैल्यू यहां पर लिखनी पड़ेगी। अगर वैल्यू लिखने का मतलब है कुछ यूनिट एक्स से V5 पर ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेंगी, अगर मैं एक्स से V5 पर कुछ यूनिट ट्रांसपोर्ट करूंगा तो अब ये ऑक्यूपाइड बन जाएगा। लेकिन एक समस्या हुई, एक्स ऑलरेडी अपनी 40 की सप्लाई कर रहा है तो यहां कैसे देगा, समझ रहे हैं? या अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, ई की डिमांड थी 15, तो ऑलरेडी जो ई है वो किससे ले रहा है, वाई से, जेड से ले रहा है, वो ऑलरेडी जेड से 15 यूनिट ले रहा है तो और कैसे लेगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, जो यहां यूनिट जोड़ूंगा इस 15 में से वो यूनिट यहां पर माइनस कर दूं। ई की 15 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो मैंने कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, अगर इसकी रिक्वायरमेंट 15 में से कुछ कम हुई और एक्स से यूनिट ट्रांसफर हुई तो एक समस्या आ गई, जो जेड है अब उसकी सप्लाई 40 से कम हो गई। तो तुरंत क्या करूंगा, उसकी सप्लाई को 40 करने के लिए यहां पर वापस से प्लस और वापस यहां पर माइनस। तो देखिएगा इस प्लस माइनस के एक क्लोज्ड सर्किट के द्वारा हम अपना इंप्रूवमेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो ये लीजिए, ये एक इंप्रूवमेंट प्रोसेस मेरा बन गया, ये हमारे पास एक इंप्रूवमेंट प्रोसेस बन गया। दैट इज अवर स्टेप फॉर इंप्रूवमेंट इन मैट्रिक्स। क्लियर है बिल्कुल? अब नाउ द पॉइंट इज, ये जो आपने प्लस माइनस किया है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू एडेड और डिडक्टेड। अब क्या वैल्यू एड और डिडक्ट की जाए, तो रूल सुनेंगे ध्यान से, हम लिखेंगे बाद में, बट पहले रूल को समझें। तो व्हाट विल बी द रूल, द रूल इज, ध्यान से सुनना, आप मुझे बताएं आपने माइनस कहां कहां पर लगाया है। देखो एक तो इस 5 पर आपने माइनस लगाया और एक इस 15 पर माइनस है। आपने ये जो क्लोज्ड सर्किट बनाया है इसमें जहां जहां पर माइनस साइन है वहां पर जितनी ऑक्यूपाइड यूनिट्स हैं उनको देखो, और उनमें से जो सबसे लीस्ट ऑक्यूपाइड है उस लीस्ट ऑक्यूपाइड को सब जगह पर शिफ्ट करोगे। व्हाट विल बी द इंप्रूवमेंट प्रोसेस, द इंप्रूवमेंट प्रोसेस इज, ये आपने जो एक क्लोज्ड सर्किट बनाया है, अब आप क्या करोगे इस क्लोज्ड सर्किट में, ध्यान से सुनना, इस क्लोज्ड सर्किट में जो माइनस की वैल्यू आ रही है, माइनस कहां कहां लगाया आपने, एक तो इस 5 पर माइनस लगाया है और एक इस 15 पर माइनस लगाया है, ये दो जगह माइनस लगाया। तो आपने इस क्लोज्ड सर्किट में जहां जहां माइनस साइन लगाया वहां देखो कितनी यूनिट आपने लिखी हुई है उस माइनस साइन पर। ये ध्यान रखना, ये जो आप माइनस प्लस के साइन लगा रहे हो ये केवल और केवल ऑक्यूपाइड पर बन सकता है। तो अब आपके पास जो ऑक्यूपाइड है, तो माइनस एक तो यहां पर है 5 पर माइनस और एक यहां पर है 15 पर माइनस।
पांच पर माइनस और 15 पर माइनस, तो ये पांच जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो यानी ये पांच हर जगह पर शिफ्ट होगा। व्हाट डज इट मीन, देखना यहां अभी ऑक्यूपाइड कितना है, पांच, पांच में से पांच माइनस कर दोगे, दैट मीन्स यहां से यहां पर जाने वाली यूनिट खराब बेकार हो गई, यानी ये सेल अब क्या बन जाएगा, अनऑक्यूपाइड सेल बन गया। यहां पर अभी कुछ भी नहीं जा रहा था, ये माइनस पांच कुछ नहीं है, अनऑक्यूपाइड की वैल्यू है, इसमें मत कर देना, यहां प्लस करना है, तो यहां पर ये वाली पांच यूनिट यहां प्लस हो जाएंगी, तो यहां पर कितनी यूनिट आ जाएंगी, अब पांच यूनिट, यहां 15 थी, 15 में से 5 माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग यूनिट कितनी बचेंगी, 10, यहां 25 में 5 जुड़ जाएंगी तो कितनी यूनिट हो गई, 30। तो इस तरह से ये शिफ्टिंग होकर ये काम अब हमारा नई टेबल में होगा, ये जो शिफ्टिंग होगी माइनस प्लस की, ये काम अब किस में होगा, आपको एक नई टेबल प्रिपेयर करनी है और उस नई टेबल में आपको ये शिफ्टिंग करनी है, ये पांच हर जगह पर क्या होगा, शिफ्ट होगा। बोले शिफ्टिंग पॉइंट इज क्लियर, माइनस पर यहां पांच है और माइनस पर यहां 15 है, इन दोनों ऑक्यूपाइड में से मिनिमम ऑक्यूपाइड पांच यूनिट है, ये पांच यूनिट हर जगह पर शिफ्ट होंगी, तो यहां से पांच माइनस हो जाएगा तो ये अनऑक्यूपाइड बन जाएगी, ये पांच यहां आकर ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, यहां 15 में से पांच जाएगा तो 10 यूनिट रह जाएंगी, और यहां पर 25 में पांच जुड़ेगा तो कितनी यूनिट हो गई, 30। लेकिन ये शिफ्टिंग का वर्क किस में होगा, अगली स्टेप में होगा, इस स्टेप में शिफ्टिंग का वर्क नहीं करोगे, शिफ्टिंग का वर्क अगली टेबल में या अगली स्टेप पर होगा। चलिएगा अब हम एक नई टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम ये शिफ्टिंग शो करेंगे। तो देखिएगा मैं वापस से पूरी टेबल आपको ड्रॉ करता हूं। हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रिटेल आउटले। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में था एक्स वाई एंड जेड, ए बी सी और ई। फिफ्टी फाइव, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, फोर्टी। फिर वाई में आपके पास है 35, 30, 100, 45 एंड 60। आफ्टर दैट जेड में आपके पास है 40, 60, 95, 35, 30, देन आपको डिमांड की यूनिट्स दे रखी हैं 25, 10, 20, 30 और 15, एंड देन इधर सप्लाई में आपको दे रखा है 40, 20 और 40। ठीक है, नाउ द एलोकेशन करेंगे,
अब हमें एलोकेशन में ही शिफ्टिंग के साथ साथ ध्यान देते हुए एलोकेशन करना है. देखिएगा 5, 10, 20 और डी से हट जाएगा ये, तो 5, 10, 20 एज इट इज रहेगा. यहां पर 5 देन यहां पर 5 में से 5 माइनस होके अनऑक्यूपाइड हो जाएगा और यहां पर वो 5 आ जाएगा. तो 5, 10, 20 यहां 5, 10, 20 और ये 5 यहां आ जाएगा. ठीक है, आगे आइए. अब y में एलोकेशन किस तरह से था, देखें वापस से अपनी टेबल में जाएं. y में कहीं पर कोई चेंज नहीं है, तो y में आपका बस 20 है 35 पर, तो y में वापस से आपका y से a पर 20 आ जाएगा. तो y से a पर 20. अब z पे आ जाएं. अब देखिएगा z में क्या शिफ्टिंग थी आपकी, देखेंगे. यहां पर आपको इस 35 पर जो ये 25 था यहां पर प्लस है, तो 5 इसमें प्लस कर देंगे और इस 15 में से 5 लेस कर देंगे, तो यानी d और e में चेंज आ जाएगा 30 और 10. ये 30 हो गया और यहां पर 10 आ जाएगा. एक बार सारे टोटल चेक कर लें, 5, 10, 15 और 5, 20 और 20, 40, 20 और 40, इधर 25, 10, 20, 30 और 15. नाउ अब वापस से आप डीजेनरेसी चेक करेंगे. हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि पहले डीजेनरेसी ना हो और बाद में सब्सिक्वेंटली डीजेनरेसी जनरेट हो जाए, विच इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट डीजेनरेसी प्रॉब्लम. तो देखिएगा, हमें 7 ऑक्यूपाइड सेल चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यानी वापस से अब ये प्रॉब्लम नॉन डीजेनरेसी प्रॉब्लम है. अब क्या करेंगे, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. वैल्यू ऑफ यू एंड वी ध्यान से देखिएगा, U1, U2, U3. नाउ V1, V2, V3, V4 और V5. नाउ देखिएगा, U1 को मैंने 0 मान लिया, तो अब देखिएगा U1 और V1 का टोटल 55 होना चाहिए. U1 और V1 का टोटल 55, तो 0 में 55 जोड़ूंगा तो 55 आ जाएगा. यहां 0 है तो 30 आ जाएगा, यहां पर 40 आ जाएगा और यहां पर 40 आ जाएगा, क्योंकि अब ये ऑक्यूपाइड बन गया. तो यहां पर 40 और देखिएगा ये 55 है, 35 चाहिए तो माइनस का 20. 55 है, 35 चाहिए तो माइनस का 20. आप बिल्कुल ध्यान से उसी तरह से बार बार अप्लाई करेंगे. करस्पॉन्डिंग यू और वी का टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बराबर आना चाहिए. करस्पॉन्डिंग यू और वी का टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बराबर. तो आपका देखिएगा, इस वाले को देखेंगे तो U2 और V1 का टोटल 35 आना चाहिए. उसमें से V1 मेरे पास 55 है. अब 55 में 35 लाना है तो माइनस 20 प्लस करूंगा तो ही आएगा. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, हमने V5 निकाला हुआ है 40 और यहां पर 30 है. देखेंगे ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं U3 और V5 सेल पर. अपनी कॉपी में देखें U3 और V5 सेल, तो V5 पर वैल्यू 40 है,
जबकि मुझे U3 और V5 वाले सेल में 30 चाहिए, तो क्या करूं? अगर यहां माइनस 10 प्लस कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 10। नाउ माइनस का 10 है और 35 चाहिए, तो V4 क्या आ जाएगा आपके पास? 45। देखेंगे माइनस का 10 है U3, अगला ऑक्यूपाइड है U3 से V4, तो अगर U3 माइनस 10 है और V4 में मुझे 35 चाहिए, तो मतलब इस सेल में 35 चाहिए, तो V4 की वैल्यू 45 लेनी पड़ेगी। नाउ अगेन अनऑक्यूपाइड की वैल्यू निकालेंगे, अगेन अनऑक्यूपाइड की वैल्यू निकालें, तो देखिएगा 0 और 45 45 हुआ, 50 में से 45 गया तो प्लस का 5 आएगा। आइए ये 30 और माइनस 20, तो 10 बचा, 30 में से 10 गया तो प्लस का 20, 40 और 20 20 तो प्लस का 80, 45 और माइनस 20 25 तो प्लस का 20, 40 और माइनस 20 तो 20 तो प्लस का 40। अनऑक्यूपाइड की वैल्यू उसी रूल से निकालेंगे, हर अनऑक्यूपाइड की वैल्यू के लिए उस सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में से बिल्कुल एक ही रूल अप्लाई करें, जिस अनऑक्यूपाइड सेल की आपको वैल्यू निकालनी है, जिस अनऑक्यूपाइड सेल की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, उस अनऑक्यूपाइड सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लें और उसमें से माइनस कर दें उस अनऑक्यूपाइड सेल का यू और वी का टोटल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में से माइनस कर दें उस अनऑक्यूपाइड सेल का यू और वी का टोटल। ठीक है, चलिएगा इधर आ जाएं, 55 है और माइनस 10 तो 45 आया, तो 45 आया तो माइनस का 5, 30 और 10 20 तो प्लस का 40, फिर इधर 40 और माइनस 10 30, 65। आपके पास एक और अगेन अ माइनस साइन हमारे पास आ गया, अगेन वी नीड इंप्रूवमेंट, अगेन वी नीड इंप्रूवमेंट, फिर हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। लेट्स सी, तो अगेन हम वापस से क्या बनाएंगे, अपना लूप क्रिएट करेंगे। चलिए देखेंगे, तो देखिएगा ध्यान से बिल्कुल, यहां पे प्लस करेंगे क्योंकि ये माइनस साइन है, तो यहां पर आपको प्लस करना है, यहां प्लस करेंगे तो इस कॉलम का टोटल बिगड़ेगा। अगेन लूप क्रिएशन समझें, ये नेगेटिव साइन है तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इसे ऑक्यूपाइड बनाना पड़ेगा, और ऑक्यूपाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ऑक्यूपाइड बनाने के लिए यहां पर प्लस, यहां से माइनस, देन यहां प्लस और यहां माइनस, तो अब की बार लूप इस तरह से बनेगा, इस प्लस माइनस देखिएगा, ये आपका लूप बनेगा। नाउ दैट इज अवर अगेन अ लूप क्रिएशन, दैट इज अ लूप क्रिएशन अगेन, ये माइनस आया, अब देखिएगा यहां पर माइनस में एक तो 5 लिखा हुआ है और यहां पर एक माइनस में 10 है, क्या शिफ्ट करेंगे, आपने जो लूप बनाया उसमें आपका एक नेगेटिव साइन पर ऑक्यूपाइड है 5,
और एक नेगेटिव साइन पर ऑक्यूपाइड है 10, तो जो 5 ऑक्यूपाइड है जहां पर माइनस के साइन है, ध्यान से सुनना, उन माइनस के साइन में जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू शिफ्ट होती है। तो अब नाउ अगेन हमें क्या करना है, ये 5 अब हम शिफ्ट करेंगे, तो अब शिफ्टिंग के लिए वापस से आपको क्या बनानी पड़ेगी, नई टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम वापस से एक शिफ्टिंग की टेबल बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दैट इज एक्स वाई एंड जेड। रिटेल आउटले ए बी सी और ई। पहले लिख देता हूं V1, V2, V3, V4 और V5। यहां निकलेगा U1, U2 और U3। चलिए वापस से टेबल हम बता कर लेते हैं अपनी। फिफ्टी फाइव, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, फोर्टी। वाई से आ जाएंगे 35, 30, 100, 45, 60। आइएगा अब जेड पर लोगे 40, 60, 95, 35, 30। ठीक है, डिमांड चलिएगा, डिमांड बताएंगे 25, 10, 20, 30 और 15। और इधर हमारे पास सप्लाई में आ जाएगा 40, 20 और 40, 40, 20 और 40। नाउ अगेन शिफ्टिंग करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा शिफ्टिंग किस तरह से होनी है। वापस यहां पर खाली हो जाएगा 10, 20 और 10, 10, 20 और 10, यहां 10, यहां 20 और यहां 10। ठीक है, ये वही मैं इंटेक्ट है, इससे बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, ना तो यहां प्लस का साइन है ना यहां माइनस का, तो 20 एज इट इज आ जाएगा। तो इस 35 पर हम लिख देंगे एज इट इज 20। जेड से आइए, यहां पर प्लस 5 कर दो 40 पर, क्योंकि इसे ऑक्यूपाइड बनाना है। एग्जाम में जो गलती होती है वो क्या होती है, हम क्या करते हैं, ये माइनस का 5 देख लेते हैं, बोले इसमें 5 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। ये गलती जनरली हम पेपर में करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये अनऑक्यूपाइड की वैल्यू है, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिटी टेस्ट के लिए काम आती है। यहां पर अभी सर्किल में कुछ भी नहीं है, यानी इस सेल में कोई यूनिट एलोकेट नहीं है, और अब मुझे यहां पर कुछ यूनिट प्लस करनी है, और जो यूनिट प्लस करनी है वो थी मेरे पास 5। तो अब यहां पर मैं 5 लिखूंगा, ये 30 एज इट इज रहेगा और यहां 5 हो जाएगा, तो 5, 30 और 5।
30 और 5, ये लीजिए, ये हमारे पास वापस से आ गया। डिजेनरेसी चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अभी भी ये क्वेश्चन सही है। चलिए अब वापस से क्या करोगे, अगेन यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, अगेन यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। चलिए तो इसको 0 मान लिया हमने, आइए U1 से V2 30 आ जाएगा। मैं अब थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं, आप रूल धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको हमने एक रूल ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, U और V की वैल्यू के लिए दो बातें याद रखनी है। U और V की वैल्यू केवल और केवल ऑक्यूपाइड के बेसिस पर निकलेगी, और U और V की वैल्यू एक तो ऑक्यूपाइड के बेसिस पर निकलेगी, और रूल नंबर टू इस तरह से निकलेगी कि करस्पॉन्डिंग U और V का टोटल किसके बराबर आ जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बराबर। ठीक है, तो ये 0 लिया, तो ये 30 ये वैल्यू 40 और ये वैल्यू 40, अब ये यहां 40 है और 30 चाहिए, तो -10 -10 है और 40 चाहिए, 50 50 है और 35 चाहिए, -15 और -10 है और 35 चाहिए। ये लीजिए, ये हमारे पास यू और वी की सारी वैल्यू आ गई। यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ, आप अपने आप कैलकुलेट करें और मैच कर लें आपकी यू और वी की वैल्यू। अगर मैं U1 को क्या मान रहा हूं, 0 मान रहा हूं, अब जरा अनऑक्यूपाइड की वैल्यू निकालते हैं, 50 55 में से इन दोनों के टोटल को माइनस करोगे तो प्लस का 5, यहां 45 है तो प्लस का 5, चलिए -15 और 30 तो 15 बचे, तो प्लस के 15, 40 -15 गए तो 25, प्लस का 75, 45 -15 गए तो 30, प्लस का 15, 40 -15 तो 25, 35 प्लस का, ध्यान से देखेंगे, प्लस का 30 है और माइनस का 10 तो 20 बचा, तो प्लस का 40 -10 40 30 प्लस का 65। लीजिए, नाउ द वैल्यू ऑफ ऑल अनऑक्यूपाइड सेल्स आर पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ ऑल अनऑक्यूपाइड सेल्स आर पॉजिटिव, तो लिख दें सिंस ऑल वैल्यूज ऑफ अन ऑक्यूपाइड सेल्स आर पॉजिटिव, हेंस दिस सॉल्यूशन हेंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। अब हमारे पास ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया, तो लीजिए मिनिमम कॉस्ट चलिएगा एक्स से ए, बताइए एक्स से ए कुछ भी नहीं है,
एक्स से बी 10 × 30, ए नहीं है अब, एक्स से बी 10 × 30 तो 300 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपने एक्स से सी 20 × 40, एक्स से सी 20 × 40 तो 800 रुपये, और एक्स से ई पर जाएंगी 10 यूनिट 40 रुपए के हिसाब से, 10 × 40 400 आ जाइए। वाई से जाएंगी 20 यूनिट ए पर, तो वाई से ए 20 × 35, वाई से ए 20 × 35 यानी 700। फिर जेड से ए 5 × 40, 5 × 40 यानी 200, ये जाएंगी जेड से ए। फिर जेड से डी 30 × 35, जेड से डी 30 × 35 दैट इज 1050, एंड जेड से ई, तो जेड से ई है 5 × 30। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 200, 700, 400 और 1100। द आंसर इज 3600। ये हमारा एक आंसर आ गया कि 3600 हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया, दैट इज अवर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये हमारी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनेगी, दिस इज अवर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बोलिए क्लियर है? अब देखिएगा हमने स्टेप्स कहां तक डाल दी थी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स आर जीरो और पॉजिटिव देन अवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, इफ देयर इज एनी नेगेटिव वैल्यू इन अनऑक्यूपाइड सेल देन वी नीड इम्प्रूवमेंट इन अवर सॉल्यूशन। तो अब इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, तो इसमें लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 5। इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, देखिएगा आप इम्प्रूवमेंट प्रोसेस कैसे अप्लाई होगा, सुनना। सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट अनऑक्यूपाइड सेल हैविंग नेगेटिव वैल्यू एंड प्लेस प्लस साइन, एंड प्लेस प्लस साइन इन दैट सेल। सेलेक्ट अनऑक्यूपाइड सेल हैविंग नेगेटिव वैल्यू, जिस सेल में, जिस अनऑक्यूपाइड सेल में आपका आंसर नेगेटिव आया था उसको नेगेटिव वैल्यू को सेलेक्ट करो सेल को, और वहां पर एक प्लस का साइन लगा देंगे। इन अदर
ऑक्यूपाइड सेल ऑफ रो और कॉलम इन अदर ऑक्यूपाइड सेल ऑफ रो और कॉलम ऑफ इन अदर ऑक्यूपाइड सेल ऑफ रो और कॉलम. अब ध्यान से सुनना, उसी रो जिसमें आपने प्लस साइन लगाया है जो नेगेटिव वैल्यू वाला है, इन अदर ऑक्यूपाइड सेल ऑफ रो और कॉलम हैविंग नेगेटिव सेल, हैविंग नेगेटिव वैल्यू सेल, इन अदर ऑक्यूपाइड सेल ऑफ रो और कॉलम प्लेस माइनस साइन एंड देन अगेन प्लस साइन इन सच अ मैनर दैट वी आर एबल टू क्रिएट अ लूप, we are able to create a closed circuit which is called as loop. ध्यान से समझना, जिस unoccupied cell में negative value है वहां पर प्लस का साइन रखेंगे, स्टार्ट विथ प्लस साइन, फिर उसी रो और कॉलम में जिसमें हमारी नेगेटिव वैल्यू सेल था प्लेस माइनस साइन एंड देन अगेन प्लस साइन इन सच अ मैनर दैट वी आर एबल टू क्रिएट अ क्लोज्ड सर्किट और लूप, सच लूप मस्ट बी created such loop must be created only through occupied cells. ये आप जो create करेंगे, ये ध्यान रखना, ये जो लूप आप क्रिएट कर रहे हैं ये केवल और केवल ऑक्यूपाइड सेल के थ्रू ही क्रिएट हो सकता है. बिल्कुल ध्यान से इस स्टेप को देखिए, हमने लिख लिया है चीजों को, बट अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे बाद में, तो ही उससे आपको ये चीजें रिटेन रहेंगी. तो इसलिए आप ध्यान रखें, नेगेटिव साइन वाले अनऑक्यूपाइड सेल पर प्लस साइन लगाएंगे, फिर उससे एक लूप बनाना चालू करेंगे, उस रो या कॉलम में अगेन नेगेटिव फिर अगेन पॉजिटिव, इस तरीके से बनाएं ताकि ये क्लोज्ड सर्किट बन जाए. और ये जो सर्किट या लूप आपने क्रिएट किया है ये केवल और केवल ऑक्यूपाइड सेल के थ्रू होना चाहिए. आफ्टर क्रिएटिंग लूप लिखें in loop identify negative sign cells, in loop identify negative sign cells and at and
आउट ऑफ सच नेगेटिव साइन सेल मिनिमम ऑक्यूपाइड यूनिट्स मिनिमम ऑक्यूपाइड यूनिट्स मस्ट बी शिफ्टेड अक्रॉस द लूप मस्ट बी शिफ्टेड must be shifted within across the loop selected शिफ्टेड समझना मिनिमम ऑक्यूपाइड यूनिट मस्ट बी शिफ्टेड विद इन या अलोंग द लूप. इस तरह से आपकी ये शिफ्टिंग होगी. बोलिए क्लियर है? बिल्कुल. एक बार वापस से थोड़ा सा देख लें. आपके पास जो नेगेटिव अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू आई है उसमें प्लस साइन लगाएंगे, फिर उसके रो या कॉलम में अगेन माइनस साइन एंड प्लस साइन इन सच अ मैनर कि हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट बन जाए, जिस सर्किट को हम लूप कहते हैं. ठीक है, ये लूप केवल और केवल ऑक्यूपाइड सेल के थ्रू बनाया जाएगा. इस लूप में अब आपने जहां जहां पर नेगेटिव साइन लगाया है उनकी ऑक्यूपाइड यूनिट को देखें, जहां जहां नेगेटिव साइन लगाया है उनमें ऑक्यूपाइड यूनिट को देखें, और जहां पर मिनिमम ऑक्यूपाइड यूनिट है वो पूरे लूप में क्या होंगी, शिफ्ट होंगी. आफ्टर शिफ्टिंग अगेन वी हैव टू कैलकुलेट new values of u and v and find out value of unoccupied cells unless all values of unoccupied cells are zero or positive ये लीजिए, ये हमारे पास हमारा पूरा आंसर आ जाएगा. जब आप एक बार शिफ्टिंग कर देंगे तो अगेन हमें यू और वी की वैल्यू निकालनी है, देन अगेन अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या अब सारी वैल्यू जीरो और पॉजिटिव आ गई. अगर आ गई तो देन ये हमारा ऑप्टिमम आंसर आ जाएगा. तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन जिसमें अभी हमारा नॉन डीजेनरेसी थी लेकिन हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, उस वजह से हमें कुछ इंप्रूवमेंट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा.